पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, पेपर लीक मामले में आए दिन बड़े खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अगर मैं कहूं कि पेपर लीक मामले में पूर्व डीजीपी ही शामिल है तो आप क्या सोचेंगे? आप ये सोचेंगे कि ये क्या हो रहा है। देखिए, एक बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें कि सिपाही बहाली प्रश्न पत्र लीक मामले में पूर्व डीजीपी और केंद्र चयन परिषद ने तत्कालीन अध्यक्ष एसके सिंगल ने मोटी रकम लेके ये पेपर लीक कराया था। पैसा प्रिंटिंग प्रेस मालिक के कमीशन के रूप में लिया गया। ईओयू की ओर से कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में इसका जिक्र भी किया गया है। बता दें कि सिंगल ने एक कमरे में चलने वाली प्रिंटिंग प्रेस कॉल्टेक्स मल्टीवेंचर को 10% कमीशन लेकर प्रश्न पत्र छापने का ठेका फिजिकल वेरिफिकेशन किए बिना ही दे दिया। वहीं मामले की जांच कर रही ईओयू सिंगल के जवाब से संतुष्ट नहीं है। बता दें कि ब्लेसिंग सेक्सियोर के निदेशक कौशिक कर और कॉल्टेक्स के निदेशक सौरभ ने अपने बयान में इस बात को स्वीकारा है। दोनों ने बताया है कि 2022 में महानिषेध सिपाही भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था, तब दोनों तत्कालीन अध्यक्ष मिले थे। कंपनी कॉल्टेक्स को इस शर्त पर ठेका दिया गया था कि वो हमें 10% कमीशन देना होगा। वहीं तत्कालीन अध्यक्ष ने कॉल्टेक्स के साथ एक साल का करार दिया। इस दौरान 2023 में सिपाही बहाली का विज्ञापन निकाला गया। बता दें कि सौरभ ने दोबारा सिंगल से संपर्क किया और पुरानी शर्तें ही सिपाही बहाली का काम भी उन्होंने कॉल्टेक्स को दे दिया। सौरभ ने कमीशन की राशि अध्यक्ष के आवास के पीछे वाले गेट पर पहुंचाई और इस बात को वह न्यायालय के समक्ष भी बोलने को तैयार है। वहीं बता दें कि सिपाही बहाली और सिपाही बहाली की परीक्षा में 8,80,523 रुपए का खर्च आया था। बता दें कि ब्लेसिंग सेक्सियोर प्रिंटिंग प्रेस का मालिक कौशिक कर रहा है, वहीं सौरभ कंपनी की मार्केटिंग काम देखता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एलटी ग्रेड शिक्षा भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक के आरोप में कौशिक पर केस दर्ज हुआ था और वो जेल गया था। उसकी कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो गई है। तो अब देखिए, जिस तरीके से एसके सिंगल का नाम पेपर लीक मामले में आ रहा है, ये एक बहुत बड़ा खुलासा है। और एसके सिंगल ने जिसके साथ ये काम किया है, वो अब कोर्ट में इस बात को स्वीकारने के लिए भी तैयार है कि पेपर लीक मामले में मैंने रकम ली थी। देखिए, बहुत कुछ हो रहा है। अब पूर्व डीजीपी जो है वही पेपर लीक कराएगा तो क्या होगा? फिर बच्चों का क्या होगा और बिहार की जनता क्या सोचेगी? फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको क्या लगता है? लेकिन पेपर लीक मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। बहुत-बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।